वेलकम टू माय चैनल। मेरे कुछ यंग क्लाइंट्स ने डिमांड की कि आजकल जो ट्रेंडी रैप चल रहा है आप उसे बताएं। और अच्छी बात है, हमें ट्रेंडी चीज़ें करनी भी चाहिए और खानी भी चाहिए। और लेकिन वेट लॉस का सवाल है तो वेट ना बढ़े उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस रैप को एक हेल्दी वर्जन दिया है। मैं हूँ डाइटिशियन नीना सेठ फ्रॉम नीना ब्यूटी फिट क्लिनिक मालवीय नगर न्यू दिल्ली। देर ना करते हुए मैं आप लोगों को किचन में लेकर जाऊंगी और साथ साथ ही हम बात करते जाएंगे और मैं आपको इस हेल्दी वर्जन वाले रैप को बना कर देगा। तो हम ये रैप बनाना शुरू करते हैं। अब इस रैप के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और साथ में ही 1/2 कप व्हीट फ्लार लिया है और उससे भी कम सबसे छोटा कप जो होता है 1/4 उसका मैंने राइस फ्लार लिया है। और इस तरीके से हमने इसमें 3 मिला दिए हैं फ्लार और इसमें हमने डाल दिया है हिमालयन पिंक सॉल्ट, धनिया पत्ती और साथ में ही हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साथ में ये देखिए ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। साथ में ही अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस तरीके से हम मिला के इसका सॉफ्ट सा एक डो बनाएंगे। हमारे ब्रेकफास्ट के लिए हमें कार्ब्स या लंच भी कर रहे हैं तो कार्ब्स बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए, तो ये सारे ही हेल्दी कार्ब्स हैं और इससे हम ये फ्लार मिक्स कर दिए हैं जो उनका एक डो बनाएंगे सॉफ्ट सा। और उसके बाद हम उस डो को कुछ देर के लिए रेस्ट करने रख देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए डो बनकर तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है और इसमें हमने कोई घी वगैरह नहीं डाला है। और अब हम इसको कवर करके 10-20 मिनट के लिए रख देंगे। और ये जो मैंने पैकेट दिखाया था वो राइस फ्लार है, मैदा बिल्कुल नहीं डाला है और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है। हम बना रहे हैं रोल का स्टफिंग अप और इसमें हम किसी भी तरीके का और फैट नहीं डालेंगे। इसी हमने जो 1 स्मॉल टीस्पून लिया है इसी में ही हम इसकी स्टफिंग बना देंगे। और इसके लिए मैंने हींग डाल दी है और हींग हमें हर खाने में डालनी चाहिए, इससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, हमें ब्लोटिंग वगैरह नहीं होती है। तो अब मैं इसमें अनियंस डाल रही हूँ, साथ में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी जब अनियन थोड़ा सा भुन जाएगा। और इस तरीके से हम इसकी स्टफिंग बना रहे हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा भुन गया है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और उसको भी हम थोड़ी देर सौते करेंगे और साथ में ही हम कुछ मसाले मिक्स करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम इस रोल की स्टफिंग को तैयार करना शुरू कर रहे हैं। और आजकल ये जो ट्रेंडी रैप है बहुत ज़्यादा मीडिया में छाया हुआ है और सबका खाने का मन कर रहा है और इसलिए आप सबकी डिमांड पर ही मैं ये बना रही हूँ। आप इसमें फ्लावर्स चेंज कर सकते हैं, आप इसमें जौ जवार का आटा भी ले सकते हैं और साथ में ही किनवा ले सकते हैं, किनवा का फ्लार ले सकते हैं। किनवा का फ्लार भी बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन रिच होता है, तो इन आप फ्लार का कोई भी चेंज कर सकते हैं और उसके साथ में ही आप इसका डो लगा सकते हैं। हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल दिया है, अब हिमालयन पिंक सॉल्ट डालने के साथ ही हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर और अगर आप चिली कम खाते हैं तो आप ग्रीन चिली मत डालिएगा, मैंने ग्रीन चिली डाल दी है। तो आप जिस तरीके के मसाले खाना पसंद करते हैं आप उस तरीके के मसाले इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये मसाला, मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और साथ में ही थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालूंगी और इससे इसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट भी आएगा। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, लेमन जूस, लेकिन हम आंच पर उसको डालते नहीं हैं इसलिए मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है। अब इसको हम थोड़ी देर भून लेते हैं और इसमें अब हम कैरेट डाल देंगे। कैरेट वैसे डायरेक्टली बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते हैं, कई तो इसमें जब डल जाती है तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने क्या क्या डाल दिया। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, किसी भी तरीके की वेजिटेबल्स। और ये देखिए कैरेट भी सौते हो गई हैं। अब हम इसमें ये बूट चना है जो प्रोटीन रिच होता है, जिसमें विटामिन ए और सी हैं
और ये बहुत अच्छा सोर्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, और आजकल सीज़न में है। इसको मैंने हल्का सा बॉयल किया है और उसके बाद इसको इसमें हमने डाल दिया है, और साथ में ही इसमें मैंने थोड़ी धनिया पत्ती डाल दी है। और इसमें अब हम डालेंगे चना मसाला, जिसमें इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और ये बूट चना जो है इसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं, और मैंने इसको इस रैप में फिल करना उचित समझा। मुझे लगा कि ये रैप कुछ अच्छा सा अलग सा न्यूट्रिशियस बनना चाहिए, क्योंकि बहुत तरीके के रैप मैं देख रही हूँ, चीज़ डाल रहा है कोई, पनीर डाल रहा है। तो मैंने इसमें ये डायरेक्टली प्लांट सोर्स प्रोटीन रिच हमारा बूट चना जो आजकल सीज़न में है ये डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, और ये आजकल बहुत अच्छा मिल रहा है और होली तक आराम से मिलता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक बारी। और इससे बहुत सारी रेसिपीज़ भी बना सकते हैं आप, सैलेड्स भी बना सकते हैं बूट चना से, स्टफ़ रोटी भी बना सकते हैं। अब ये देखिए डो कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे एक रोटी बेलेंगे और उसको दोनों तरफ से पका लेंगे। तो एक हम छोटा सा बाउल बनाते हैं डो का, और उसके बाद हम इसका एक अच्छा सा गोल रोटी बेलेंगे। आप किसी भी फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। अब मैदे में सब लोगों को टेस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बैड होता है हेल्थ के लिए, और जो लोग वेट लॉस पे हैं उन्हें तो इस तरीके की चीज़ें ही खानी चाहिए। देखिए आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल रहेंगी और साथ में आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी हेल्थ बदल सकती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब इस तरीके से हम तवे पे एक रोटी को दोनों तरफ से सेक कर बना लेंगे, और बहुत कुछ मुश्किल नहीं है काम, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इतना सारा कुछ डला है, और भी बहुत कुछ डलने वाला है इस रैप में। ये देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार है। तो इस तरीके से हमने इसको आधा कच्चा बना लिया है। अब इसी तरीके से मैं सारी रोटियां बना लूँगी। अब हम इसको पिज़्ज़ा कटर से कट लगाएंगे और इसे उस ट्रेंडी रैप की शेप देंगे। ये देखिए मैंने इसको एक कट सामने से लगाया है, और हल्का हल्का सा बीच से कट करूँगी ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब हम इस पर इस तरीके से कट लगा लेते हैं। अब हम इसमें एक तरफ स्टफिंग डालेंगे। हमने इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया है, और ये बेसन डाला है तो इसलिए ये थोड़ा सा क्रिस्प बना है। आप चाहें तो कोई और फ्लावर भी डाल सकते हैं, आप इसको बहुत सॉफ्ट भी और सॉफ्ट भी बना सकते हैं। ये देखिए इसमें मैंने घर की बनी हुई मेयोनीज़ लगाई, जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी टोफू की। साथ में ये मैंने एक सलाद पत्ता लगा दिया है, और ये साथ में मैं कलर्ड वाली कैप्सिकम लगा रही हूँ। पिकल्ड अनियन मैंने एप्पल साइडर विनेगर में बना कर रखे थे, और जिसे मैं इसमें लगा दे रही हूँ, और इससे बिल्कुल आपको मार्केट जैसा ही टेस्ट आएगा। और देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल। और ये चने की सब्ज़ी जो बनी है ये बहुत टेस्टी बनी है, और घर की बनी हुई ये धनिया पुदीने की चटनी है, और ये मैंने इस पर लगा दी है। इसे हम रैप कर लेंगे इस तरीके से, इसको हम चारों भागों को रैप कर लेंगे। ये देखिए ये बन गया। अब हम इसको ग्रिल पैन में सेक लेंगे। मैं इसे आपको दो तरीके से सेक के बताऊंगी। एक तो मैं इसमें बनाऊंगी, और ये बहुत टेस्टी बनता है इसके बाद, क्योंकि और भी कुरकुरा करारा क्रिस्पी हो जाता है, और आपको खाने में भी इसमें बहुत आनंद आएगा। हल्का सा मैं ऑयल स्प्रिंकल कर लेती हूँ, जिससे कि इसके चिपकने की कोई गुंजाइश ना रहे, और हल्का सा ऑयल मैं इसके ऊपर भी स्प्रिंकल करना चाहूँगी, एक दो ड्रॉप्स बस। अब इसको हम बंद करके रख देंगे। अब ये क्रेप मैं यहाँ पे बना रही हूँ ग्रिल पैन पे, और इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर और नीचे चुपड़ देंगे इस तरीके से, और इसे भी हम दबा दबा के सेक लेंगे।
तो बहुत मुश्किल नहीं है, देखिए बहुत आसान है। और बस आप अपनी स्टफिंग देख लीजिए, आपको किस चीज़ की लगानी है और वो स्टफिंग आप लगा सकते हैं। और इस तरीके की हेल्दी स्टफिंग्स आपको लगा कर अगर आप खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्दी वर्जन है। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ गए हैं, और इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है ये, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम बिल्कुल आपको भूख लग जाएगी इसकी खुशबू से, ऐसी मेरी गारंटी है। और ये देखिए ये जो है इसको अब हम पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसके दो भाग हो जाएंगे, तो इसको हम टू पार्ट्स में कट कर लेंगे। ये देखिए कट गया, और इसको हम इसी तरीके से अब सर्व करेंगे। आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और वैसे मुझे तो इसके साथ किसी चटनी की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ही इसमें चटनियाँ लगी हुई हैं। और ये दूसरा रैप भी बन गया है, और हम इन दोनों की अब प्लेटिंग कर लेते हैं। और आप खुद ही देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और मन भी कर गया होगा आपका खाने का। और जब आप इसे बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना आपका, और आपने इसमें क्या चेंजेस किए। इसको बनाइए और मुझे अपनी एक पिक्चर। तो देखा आपने ये ट्रेंडी रैप जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, इसको मैंने बनाया, और ये प्रोटीन रिच है और सीजनल चीज़ों से बनाया है। इसमें मैंने बूट चना डाला है, और ये बूट चना बहुत अच्छा है, इस सीज़न में मिल रहा है, प्रोटीन रिच है, और इसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। तो इसका आप यूज़ कीजिएगा, और इस रैप्स को आप सवेरे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, इवन आप अगर डिनर भी टाइम पे कर रहे हैं तो खा सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जिससे आपका वेट गेन हो। ये आपका ना वेट गेन करेगा, ना ही आपका वेट लॉस में कोई प्रॉब्लम होगी। और इसमें बेसन डाला है, और बेसन तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन रिच होता है, और सारे ही इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। मेयोनीज भी होममेड है, जिसको मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया था। और इस तरीके से अगर आप चीज़ें करते हैं तो आप हेल्दी भी रहते हैं, और आपकी टेस्ट बड्स को भी सुकून मिल जाता है। तो आप इस रैप को जब बनाएंगे तो मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, पिक्चर्स शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि कैसा टेस्ट लगा आप लोगों को इस रैप का। आप लोग अगर इसमें कोई और इनोवेशंस करते हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है। आप इसे और भी मिलेट्स फ्लावर यूज़ करके बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जब मैदे से बनाएंगे तभी टेस्टी लगेगी। तो इस तरीके से आप हेल्दी वर्जन्स बनाते रहेंगे और मुझसे शेयर करते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है अभी तक और सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोगों के सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया।